हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब हजार्ड एनालिसिस यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस के MCQ टेस्ट के बारे में, और इसके थ्रू जो है आपको यहां पर इसके बारे में कितना नॉलेज है वो भी आप यहां पर टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जॉब हजार्ड्स के बेसिक एस्पेक्ट्स क्या है। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है एनवायरमेंट, ऑप्शन बी दिया गया है एक्सपोजर, ऑप्शन सी दिया गया है ट्रिगर, ऑप्शन डी दिया गया है कॉन्सिक्वेंस, और ऑप्शन ई दिया गया है कि ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई, ये सभी। क्योंकि जब भी हम जॉब हजार्स को एनालिसिस करते हैं तो वहाँ के ये जो सारे बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं इन सभी को हमें कंसिडर करना होता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस या फिर जॉब हजार जो एनालिसिस है उसको कंडक्ट करने की क्या वैल्यू है। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है कि वर्कप्लेस के जो भी हजार्स है उसको इलिमिनेट कर सके, उसको प्रिवेंट कर सके। ऑप्शन बी दिया गया है कि इसकी मदद से सुपरवाइजर को ये परमिशन मिलती है कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सके, और ऑप्शन सी दिया गया है कि इसकी मदद से वर्कर को जो है वो लाइट ड्यूटी मिलती है किसी काम को करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कि वर्कप्लेस में जो भी हजार्स है उसको हम इलिमिनेट कर सके या फिर प्रिवेंट कर सके। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जब भी हम JSA या फिर JHA को कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें जो भी रिकॉर्डेबल या फिर नियमित डाटा हो पिछले वाला तो उसको रिव्यू करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फाल्स है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि जब भी हम JSA हो या फिर JHA हो उसको कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें जो है ज़्यादा फोकस करना होता है कि कहाँ पर जो है ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, नियर मिस हुए हैं, और किसकी वजह से जो है रिकॉर्डेबल एक्सीडेंट हुए हैं। तो सबसे पहले हमें जो है उस एरिया को टारगेट करना पड़ता है जब भी हम JSA या फिर JHA कंडक्ट करते हैं तब। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग जो कंट्रोल्स है उसको कंसिडर किया जाता है कि ये जो है ये मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म है हजार्ड कंट्रोल का। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फाल्स है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, यानी कि इंजीनियरिंग कंट्रोल जो है उसको कंसिडर किया जाता है कि वो मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म है हजार्ड कंट्रोल का। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि JSA हो या फिर JHA हो ये बेस्ड होते हैं कौन से जनरल कंसेप्ट के ऊपर। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है जॉब फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटर स्किल, हजार्ड कॉन्सिक्वेंस। ऑप्शन बी दिया गया है कि एसोसिएटेड होता है हर एक जॉब के ऊपर, उसमें देखा जाता है कि उसके हजार्ड असेसमेंट क्या है और कंट्रोल मेजर्स क्या है। और ऑप्शन सी दिया गया है कि हर एक जॉब को जो है हमें स्टेप में ब्रेक डाउन करना पड़ता है और हर एक स्टेप में क्या हजार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और फिर उस हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए यानी कि प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कि JSA हो या फिर JHA हो वो बेस्ड होता है इस जनरल कंसेप्ट के ऊपर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि वर्कर को 15 पाउंड कास्टिंग यानी कि ऑलमोस्ट जो है 8.5 kg से 9 kg का जो है वो वेट है, तो उसको नीचे बेंड होकर जो है उसको लिफ्ट करना है। तो ये जो टास्क है तो इसमें से जो है बेस्ट हजार डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल स्पार्क की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो लग सकता है। ऑप्शन बी दिया गया है कि उस चीज को लिफ्ट करने के लिए जब वो रीच होगा तो उसका जो है वो बॉडी ट्विस्ट हो सकता है और उसकी वजह से जो है उसको लोअर बैक स्ट्रेन हो सकती है। ऑप्शन सी दिया गया है कि वाइब्रेशन की वजह से उसका जो नर्व एंडिंग है वो डैमेज हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कि जब भी आप किसी चीज को उठाने के लिए नीचे बेंड होते हो, आपकी बॉडी को बेंड करते हो, तो उसका जो इम्पैक्ट है आपके लोअर बैक के ऊपर हो सकता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जब भी आपको JSA या फिर JHA बनाना है तो उसके लिए जो है खाली सुपरवाइजर को ही वहां पर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फाल्स है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कि ये फाल्स है, क्योंकि जब भी हम JSA या फिर JHA बनाते हैं तो वहां पर हमें इम्प्लॉयज को भी जो है वहां पर इन्वॉल्व करना होता है, क्योंकि इम्प्लॉय को ही ज्यादा पता होता है कि किसी पर्टिकुलर जॉब में क्या हजार्ड्स हो सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा कोई जो है हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं उसके बारे में वो अच्छे से हमें बता सकता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है JHA इज अ मेथड ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स हजार्ड्स, अ मीन्स ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स डाउन द जॉब एज वेल एज अ सिस्टम टू हेल्प एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड फिलिंग द ब्लैंक्स।
तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमें यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर यह आंसर आएगा कि जेच जो है ये हजार को आइडेंटिफाई करने की एक मेथड है, यानी कि पहला जो है वो आएगा आइडेंटिफाइंग। फिर उसके बाद है कि इस जॉब को हमें ब्रेक डाउन करना होता है, यानी कि सेकंड जो फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा वो आएगा ब्रेकिंग। इसके साथ साथ सिस्टम जो है वो एम्प्लॉयज को मदद करती है इस चीज को समझने के लिए, तो यहाँ पर आएगा हजार्स, यानी कि हजार्स को समझने के लिए ये मदद करती है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जॉब हजार्ड एनालिसिस में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को इल्यूमिनेट करने के लिए यानी कि दूर करने के लिए एक जो पर्सन है वो काफ़ी इफेक्टिव है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि जब भी हजार्ड एनालिसिस में कोई अगर कन्फ्यूजन है तो उसको इल्यूमिनेट करने के लिए दूर करने के लिए वहाँ पर हर एक टीम की जो है वो राय लेनी होती है, यानी कि हमें वहाँ पर टीम को इन्वॉल्व करना होता है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि हर एक का जो है वो सलाह मशवरा वहां पर लिया जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जॉब हजार्ड एनालिसिस के लिए हमें उस जॉब को जो है नंबर वन प्रायोरिटी देनी होती है कि उस जॉब में जो है ज्यादातर इंजरी हुई है या फिर एक्सीडेंट जो है वो हुए हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, यानी कि जिस जॉब में ज़्यादातर एक्सीडेंट हुए हैं या फिर इंजुरीज हुई है उस जॉब को जो है टॉप प्रायोरिटी पे हमें लेना होता है जॉब हजार्ड एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा जॉब हजार्ड एनालिसिस यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस के MCQ टेस्ट के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।